आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आपको अपने घर पे एयर कंडीशन के साथ फैन क्यों चलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे साइड में बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अपने कमरे में अगर एयर कंडीशन लगवा लिया है तो क्या हमें एसी जब चला रहे हों उस समय हमें अपना फ़ैन ऑन रखना चाहिए या फिर नहीं। तो बिल्कुल आपको ऑन रखना चाहिए, और क्यों रखना चाहिए आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। हर एक पॉइंट आपको क्लियरली बता देंगे इस वीडियो के लास्ट तक। तो शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है मानव, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक लर्निंग। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पे जो पॉइंट आता है कि आपको अपने एसी के साथ फ़ैन क्यों चलाना चाहिए, वो ये है कि एयर कंडीशन जो होता है वो क्या करता है, आपके कमरे की हवा को ठंडा करता है, जबकि जो पंखा होता है वो कमरे के अंदर जो भी हवा है, ठंडी हो, गर्म हो, मॉइस्चर वाली हो, विदाउट मॉइस्चर हो, जैसी भी हवा है, उसका काम है कमरे के कोने कोने तक उसे सर्कुलेट कर देना बस। तो अभी क्या है कि अगर आपने अपने कमरे में एयर कंडीशन लगाया हुआ है तो वो क्या करेगा, आपके कमरे की हवा को ठंडा करेगा, और जो पंखा है वो आपके कमरे के अंदर ठंडी हवा को हर कोने तक पहुंचाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इसका मतलब कि आपको अपने एसी के साथ तो पंखा चलाना ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए जरूरत पड़ता है क्योंकि एयर कंडीशन में जो ब्लोअर दिया होता है, जो फ़ैन दिया होता है एयर कंडीशन के अंदर, उसकी जो स्पीड होती है, एयर थ्रो स्पीड होती है, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है कि वो बहुत तेज़ हवा नहीं आता है कि हर कोने कोने तक उस ब्लोअर के माध्यम से हवा पहुँचाई जा सके एयर कंडीशन रूम के अंदर। तो यही कारण है कि अगर आपके कमरे में कुछ लोग हैं जो अलग अलग कोने पर बैठे हुए हैं तो उन्हें आखिर प्रॉपर हवा कैसे मिलेगी, उन्हें ठंडी हवा कैसे मिलेगी, तो उसी के लिए आपको फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है एसी के कमरे में। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की, जो कि आपके पैसे से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि जब आप अपने कमरे में सिर्फ और सिर्फ एसी चला के सोओगे उस समय आपको अपने एयर कंडीशन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम रखना पड़ेगा, तब जाके आपको ठंड महसूस होगी। लेकिन अगर वहीं पर आप अपने कमरे के फैन को भी ऑन कर देते हो, दो या तीन स्पीड पर ही ऑन कर दो, फुल स्पीड पर मत चलाओ, फिर भी आप देखोगे कि आपको 3-4 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा भी देंगे, फिर भी आपको बहुत ही कम्फर्टेबल एनवायरनमेंट आपके में मिलेगा और आप आराम से एक पतली चद्दर या फिर पतला कंबल ओढ़कर सो सकते हैं। इसका मतलब है कि जैसे ही आप अपने कमरे के एयर कंडीशन के टेम्परेचर को बढ़ाओगे, वैसे ही आपके एयर कंडीशन का जो कंप्रेसर है उस पर लोड कम पड़ेगा। लोड कम पड़ेगा इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी कम कंजप्शन होगा इसका मतलब आपके बिजली का बिल कम आएगा, और जब बिजली का बिल कम आएगा इसका मतलब आपके पैसे बचेंगे यार, और क्या। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आपको अपने कमरे के अंदर एयर कंडीशन के साथ साथ फैन भी चलाना चाहिए। अब दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो भी बहुत ही जेन्युइन पॉइंट है। एक्चुअली आपको ये पता है कि जब आप अपने कमरे में एसी लगाते हो तो आप प्रयास यही करते हो कि कहीं से भी एसी की ठंडी हवा लीक ना हो। इसका मतलब एयर कंडीशन वाला जो रूम होता है वो पूरी तरह से सील होता है प्रॉपरली, और कहीं से भी हवा लीक होने का चांस आदमी नहीं छोड़ता है अपने जानते भर में। तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड जिनको जब वो कमरे के अंदर रहते हैं और सील हवा होती है उस समय उनको घुटन सी महसूस होने लगती है। तो ये भी एक रीज़न है जिस वजह से अगर आप अपने कमरे का फ़ैन चलाते हो तो हमेशा फ्रेश हवा मिलती है, जो ठंडी होकर हवा आती है वो रेगुलर सर्कुलेट होती रहती है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति जिन्हें एक पैक एनवायरनमेंट में घुटन महसूस होती है उन्हें घुटन महसूस होना बंद हो जाता है। तो ये भी कारण है कि ऐसे लोगों को भी अपने एयर कंडीशन के साथ फ़ैन को ज़रूर ऑन करना चाहिए। अब चौथा जो पॉइंट है और सबसे लास्ट पॉइंट है वो है दोस्तों कि हम इंडियंस को लेके। फ्रेंड आपको पता है कि हम लोग, मतलब हम में से ज़्यादातर लोग अक्सर फ़ैन यूज़ करते थे अभी तक, अब जाके लोग एयर कंडीशन की तरफ बहुत ज़्यादा मात्रा में स्विच होने लगे हैं। अब जब आप अपना फ़ैन यूज करते थे तो आपको आदत है फ़ैन के नीचे डायरेक्ट सोने की, जिससे आपके शरीर पर हवा लगती है और आपको हवा फील होती है। वो फीलिंग जो एक कम्फर्ट होता है, जो हवा को शरीर पे लगने की वजह से जो आपको ठंडक महसूस होती है, वो ठंडक आपको एयर कंडीशन के एनवायरनमेंट में महसूस नहीं हो पाएगी अगर आप अपना पंखा बंद करके सोओगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आप जो है कि अपने एसी के साथ आपको पंखा चलाकर ही सोना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चारों के चारों पॉइंट आपको समझ में आएंगे। अगर समझ में आओ तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ अगर और कोई पॉइंट्स आपके मन में रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।